हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में। आज बात करेंगे इंडियन ई कॉमर्स और इंडियन रिटेल बिजनेस के बारे में। देखिए, हर बिजनेस की एक ब्राइट साइड होती है और एक डार्क साइड होती है। शुरुआत करते हैं पहले ब्राइट साइड के साथ। 15 अक्टूबर 2020 से लेके 21 अक्टूबर 2020 तक महज इन 6 दिनों के अंदर इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर लगभग 35,000 करोड़ का बिजनेस किया। यह बात है अक्टूबर के टाइम पीरियड की। अगर मैं इसमें नवंबर फेस्टिवल और नवंबर के एंड टाइम पीरियड की एक्सपेक्टेड सेल्स को भी ऐड कर लूं तो 35,000 करोड़ का यह बिजनेस पहुंच जाता है 55,000 करोड़ तक। यह बात हुई है ब्राइट साइड की। अब बात करते हैं थोड़ी डार्क साइड, मतलब इंडियन रिटेल बिजनेस की। देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो बिजनेस लॉकडाउन में था, उस लॉकडाउन में रिटेलर्स को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस लॉकडाउन की प्रोसेस को अनलॉक किया गया। अनलॉक की खबर से इंडियन बिजनेसमैन थोड़े खुश हो गए। अपने बिजनेस को शुरू करने की प्लानिंग वो कर रहे थे। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उनके मन में जो एक चैन की सांस मिली थी, उस चैन की सांस में पूरी तरह से बेचैनी भर दी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के दो बड़े ऑफर, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिलियन डेज ने। ये इतने बड़े ऑफर थे जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने निकाले थे, जिनमें काफी सारा रिबेट था, काफी सारा डिस्काउंट था, काफी सारी क्रेडिट फैसिलिटी थी, प्राइम मेंबर बनाने तक की फैसिलिटी इन ऑफर ने निकाल दी, जिनकी वजह से सारा बेनिफिट ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ले गई और रिटेलर्स के पास सिर्फ डार्क साइड रह गई। रिटेलर्स और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के इसी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं मार्केटिंग मिक्स के 4 P's के साथ। पहला P है प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट की बात करूं तो रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उसकी दुकान छोटी होती है, उसका एरिया लिमिटेड होता है, उसके पास कस्टमर भी लिमिटेड होते हैं। इस लिमिटेड एरिया के साथ लिमिटेड प्रोडक्ट की रेंज, वैरायटी और विड्थ को रख के वो अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करता है। इसीलिए रिटेलर के पास ज्यादा कस्टमर आ नहीं पाते, क्योंकि उसका एरिया लिमिटेड है और उसके पास प्रोडक्ट की रेंज भी लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पास कस्टमर की डेली नीड से लेकर के कस्टमर की लग्जूरियस नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले सारे सामान होते हैं। कस्टमर की नीड से लेकर कस्टमर की वॉन्ट तक, सस्ते प्रोडक्ट से लेकर महंगे प्रोडक्ट तक, कस्टमर की हर तरह की नीड और हर तरह के कस्टमर की, चाहे वो बच्चा हो, यंगस्टर्स हो, कोई बड़ा आदमी हो या बूढ़ा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे इंडिविजुअल की नीड ई कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ी आसानी से पूरा कर देती है, जिसकी वजह से मार्केट में जितने भी कस्टमर होते हैं वो इजीली ई कॉमर्स की वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और कस्टमर कहीं ना कहीं सस्ते के चक्कर में ई कॉमर्स इंडस्ट्री से सामान खरीद लेता है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा बेनिफिट तब मिल जाता है जब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट पे होते हैं। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो अवेलेबल है, लेकिन फिजिकल मार्केट में किसी रिटेलर के पास, किसी स्मॉल बिजनेस के पास वो नहीं मिलेगा। तो जितने भी कस्टमर होते हैं जिन्हें वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें खरीदने के लिए उसे ऑनलाइन विजिट करना ही पड़ता है, और ऑनलाइन विजिट करके ऑनलाइन सेल्स बढ़ जाती है और रिटेल बिजनेस को कुछ मिल नहीं पाता। तो ये बात तो हुई इनके प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग की। अब बात करते हैं इनकी थोड़ी प्राइसिंग की। तो देखिए, रिटेल बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा ज्यादा रखता है। इसके पीछे लॉजिक बड़ा क्लियर है। देखिए, रिटेलर को सामान खरीदना पड़ता है होलसेलर से, होलसेलर सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, तो बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हर एक स्टेप में उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो रिटेलर तक पहुंचता है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। ये पहली अंडरस्टैंडिंग है। अगर दूसरी अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो रिटेलर का एरिया लिमिटेड है, उसके पास कस्टमर कम है, उसके पास सेल्स कम है, इसीलिए रिटेलर कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाता, वो बल्क बाइंग नहीं कर पाता। बल्क बाइंग नहीं करने की वजह से ना तो उसे क्रेडिट पर सामान मिल पाता है ज्यादा हद तक, और ना ही उसे कैश डिस्काउंट मिल पाता है ज्यादा हद तक, इसीलिए वो लिमिटेड सामान खरीदता है। अब क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना है, इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी और बढ़ जाती है। प्लस रिटेलर के बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे उसे दुकान का रेंट देना है, सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट देनी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देना है, स्टॉक अगर खराब हो गया तो उसका खर्चा भी रिटेलर को उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से रिटेलर का अल्टीमेट एक्सपेंस बढ़ जाता है। अब बढ़े हुए एक्सपेंसेस और बिजनेस को चलाने वाले इन सारे एक्सपेंसेस की वजह से एक रिटेलर को प्राइस थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पहली अंडरस्टैंडिंग, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदती है, तो बीच के जितने भी प्रॉफिट मार्जिन है वो खत्म हो जाते हैं, इसीलिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री को वैसे ही सस्ता पड़ता है। दूसरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ी बल्क लेवल पे डील करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, क्योंकि लगभग हर नीड से लेके हर वांट तक, सस्ते प्रोडक्ट से लेके महंगे प्रोडक्ट तक सारे ई कॉमर्स पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो बल्क बाइंग कर पाते हैं, कैश डिस्काउंट ले पाते हैं, क्रेडिट डिस्काउंट ले पाते हैं, इसलिए उन्हें वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करूं तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन में डील करती है। ये हमेशा अपने प्रोडक्ट को रेट टू रेट बेचने की कोशिश करते हैं। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से सस्ता बेचने की कोशिश में इतना सस्ता बेचता है कि कहीं ना कहीं रिटेल बिजनेस हमेशा उनसे पीछे रह जाता है। जो डेनिम का जींस आप मार्केट में 1500 रुपए का देख रहे हैं, जिस पर 10% के डिस्काउंट के बाद वो आपको लगभग 1350 रुपए का मिलेगा, वही डेनिम का जींस ऑनलाइन आपको 700 से 800 रुपए मिल जाएगा। तो एज ए कस्टमर आप भी अपना बेनिफिट देखने के लिए ई कॉमर्स
कॉमर्स इंडस्ट्री को प्रेफर करेंगे क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है। अब इतना सस्ता बेचने के चक्कर में, रेट टू रेट कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन को मेंटेन करने के चक्कर में इनका कोई फायदा हो नहीं पाता। रिटेल इंडस्ट्री भी लॉस में जाती है और ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी लॉस में जाती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी अमेजोन को 2019 में लॉस हुआ था 5,800 करोड़ का और फ्लिपकार्ट को लॉस हुआ था 5,400 करोड़ का। लेकिन ये सारे लॉस ये बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बड़े आसानी से कवर कर पाती है। देखिए अमेजोन को चलाते हैं जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वो आराम से इस खर्चे को उठा सकते हैं। और फ्लिपकार्ट को ओन करती है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है जो भी आराम से इस खर्चे को उठा सकती है। अब एक दुनिया का सबसे बड़ा आदमी और एक दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी आराम से इस खर्चे को उठा सकते हैं। प्लस अमेजोन और फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल ब्रांड है। अगर इंडियन मार्केट से उन्हें लॉस हुआ तो वो ग्लोबल कहीं दूसरे बिजनेस से कमा लेंगे, किसी दूसरे बिजनेस फील्ड से कमा लेंगे। इसीलिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री इतने सारे लॉस के बाद भी चल जाती है। लेकिन एक रिटेलर का काम लॉस में नहीं चलता क्योंकि उसका एरिया भी एक है, दुकान भी एक है, उसी से उसे प्रॉफिट होगा, उसी से उसे लॉस होगा। यह अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को लेके। अब बात करते हैं इनके तीसरे पॉइंट, प्लेस को लेके। देखिए रिटेलर की दुकान एक ही है, उसके पास लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड कस्टमर है, इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी एक है। अगर वो अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता है, एक नई ब्रांच नया शॉप ओपन करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसे बहुत सारा कर्जा लेना पड़ेगा। उस कर्जे को पे करने के लिए उसके पास इतनी इनकम सोर्स नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली सारे कस्टमर तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए रिटेलर अपने बिजनेस में लिमिटेड प्लेस पे अवेलेबल है। लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का कोई फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सारा मार्केट ऑनलाइन वर्चुअल खेलते हैं। या तो आप विंडोज पे खरीद लीजिए, एंड्रॉइड फोन से खरीद लीजिए, iOS पे खरीद लीजिए, डेस्कटॉप लैपटॉप से खरीद लीजिए, फेसबुक से कनेक्ट कर लीजिए, इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लीजिए, जिस भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट कर पाए। गूगल भी इनकी वेबसाइट्स को प्रमोट करता है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल भी इनकी वेबसाइट्स को ही प्रमोट करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्लेस के मामले में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ई कॉमर्स इंडस्ट्री रिटेल बिजनेस से काफी आगे निकल गई है। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज, ई कॉमर्स इंडस्ट्री 24/7 अवेलेबल है, घर बैठे। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में रिटेलर के पास जा नहीं सकते थे लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पास जा सकते थे। इसी अवेलेबिलिटी, सस्ती प्राइस और वाइड वेराइटी को देकर के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है लगभग 200% से, और वहीं रिटेलर्स बंद हो गए हैं 30,000 से 40,000 के टाइम पीरियड में। यह अंडरस्टैंडिंग थी इनकी प्लेस को लेके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें प्रमोशन की, तो देखिए रिटेलर अपने बिजनेस को इतना प्रमोट नहीं कर पाता, बहुत सारे रीजन है। रिटेलर के पास एक तो प्रोडक्ट लिमिटेड है, प्राइस उसकी लिमिटेड है, उसका एरिया लिमिटेड है, इसलिए ज्यादा प्रमोशन करके वो अपने खर्चे को अगर बढ़ा देगा तो खर्चे की वसूली करने के लिए उसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। वैसे ही इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, यहां पर थोड़ी सी प्राइस बढ़ाने से रिटेलर की सेल्स और कम हो जाएगी, इसलिए रिटेलर ज्यादा प्रमोशन में डील नहीं करता। लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्योंकि उन्हें पड़ता मार्केट में बहुत सस्ता है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, उनके पास कस्टमर भी बहुत सारे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं रिटेल इंडस्ट्री के कंपेयर में ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफी हैवी डिस्काउंट निकालती है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बिलियन डेज जैसे डिस्काउंटिंग ऑफर निकाल के, क्रेडिट फैसिलिटीज निकाल के, ईएमआई के ऑप्शन निकाल के सारे कस्टमर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट बना लिया, कस्टमर की पहले डिस्काउंटिंग की आदत डाल दी। जब कस्टमर की आदत डल जाएगी तो फिर बाद में अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जिन लेकर के ये इंडस्ट्री जो लॉस मेकिंग है ये प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी। ठीक वैसा ही जियो ने भी किया था। जब जियो मार्केट में आया तो फ्री डेटा के साथ आया, जब लोगों को डेटा यूज करने की आदत हो गई तो डेटा की प्राइस बढ़ा दी और स्पीड स्लो कर दी। ठीक वैसा ही स्विगी ने भी किया था। जब स्विगी मार्केट में लॉन्च हुआ तो स्विगी ने फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन निकाला, डिस्काउंटिंग ऑफर निकाले। अब जब लोगों को घर बैठे खाने की आदत हो गई, होम डिलीवरी की आदत हो गई, तो अब उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस भी थोड़े कम कर दिए हैं और फ्री डिलीवरी भी थोड़ी कम कर दी है। इसकी वजह से कस्टमर की आदत हो गई, अब आदत का फायदा उठा के लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस आराम से बनाया जा सकता है। और इन्हीं रीजन की वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडियन रिटेल बिजनेस से काफी आगे निकलती चली जा रही है। इनके अलावा और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू इंडियन रिटेल बिजनेस, कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई केस स्टडी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।